जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल फ्री नॉलेज 1998 पर। दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि आप सभी की जो रैलियाँ चल रही हैं, जो भी AR से आप आते हो या जो भी AR से आप बिलोंग करते हो, तो आप सभी का जो रैली चल रहा है उसमें सबसे पहले मेन बात आती है डॉक्यूमेंट्स की। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले हैं। तो आप सभी के लोग एक वीडियो बोल रहे थे कि भैया एक वीडियो बना दो आर्मी के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है और क्या क्या लगना है वहाँ पे करके। तो मैं ये वीडियो पूरा आर्मी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उसके लिए लेकर आया हूँ, और आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है और कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी है बनवाना। ठीक है दोस्तों, तो आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इसमें पूरी जानकारी मिलने वाली है इंडियन आर्मी से रिलेटेड। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए इंडियन आर्मी में बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ओनली एक ही AR वाले के लिए ज़रूरी नहीं है ये डॉक्यूमेंट्स, ये ऑल AR के लिए ये डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, सभी AR सभी डिस्ट्रिक्ट के सभी स्टेट के जो भर्तियां चल रही है उन सभी के लिए ये डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ही ज़रूरी है। आप याद कर लेना, और आपको मैं बता दूं कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेना ले जाना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपको ये नहीं किया जाएगा, यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसका आप मैं सोल्यूशन बताऊंगा आपको क्या करना है करके। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले आपका दोस्तों, जैसे ही आपने यदि आपने रैली रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, तो आपको रैली में क्या लेकर जाना है, मतलब जब आप रैली भर्ती देखने जाओगे या फिर रैली में रनिंग करने जाओगे, तो आपको सबसे पहले एडमिट कार्ड, आपको सबसे पहले दोस्तों एडमिट कार्ड लेकर जाना है। और दोस्तों इसमें एक रूल्स रहता है कि ब्लैक एंड वाइट लेके जाना है या फिर कलर वाला लेके जाना है। ठीक है, तो वहाँ पे जब एडमिट कार्ड जारी हो जाता है तो वहाँ पे खुद दिया हुआ होता है कि आपको कलर वाला लेकर जाना है या फिर ब्लैक प्रिंट लेकर जाना है। यहाँ दिया हुआ है डू नॉट स्निक इट द साइज़ करके, ठीक है ना। अब सेकंड होता है दोस्तों फोटोग्राफी। फोटोग्राफी आपको पता है कि कितनी फ़ोटो लेकर जाना होता है, आप भी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो, आपको पता होगा कितनी फ़ोटो लेकर जाना होता है। मुझे फिर भी 16 या 17 बड़ी वाली फ़ोटो रहती है, जो अच्छी बड़ी वाली वो वाली फ़ोटो लेकर जाना होता है। आपने भर्ती देखा होगा, एक दो भर्ती गए होंगे, और जो नहीं करा है उनके लिए बता देता हूँ कि फ़ोटोज लेकर जाना होता है और बड़ी वाली साइज़ की फ़ोटो लेकर जाना होता है। ठीक है ना, छोटी वाली आपको नहीं चलेगी, बड़ी फ़ोटो बनवा के लेकर जाना होता है। ठीक है, और थर्ड नंबर पर होता है दोस्तों एजुकेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, अभी आप ध्यान से देखना, सबसे पहले रहे आपका एडमिट कार्ड रहेगा, फिर फोटोकॉपी रहेगा, फिर आपका रहेगा एजुकेशन सर्टिफिकेट। एजुकेशन सर्टिफिकेट आपका क्या रहेगा, यदि आप ट्रेडमैन से भरते हो तो एक आपकी एड की अंकसूची रहेगी, यदि आप अदर स्पोर्ट्स से भरते हो तो आपकी 10th की मार्कशीट रहेगी, और आप यदि क्लर्क से और सोल्जर नर्सिंग से भरना चाहते हो तो आपके 12th की सर्टिफिकेट होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है दोस्तों, और ओरिजिनल होना जरूरी है, आपको वहाँ पे पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखे जाते हैं, फोटोकॉपी नहीं देखी जाती है। फोटोकॉपी तो ओनली है, अदरवाइज कुछ दस्तावेज के लिए लगती रहती है, बट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं। फिर इसके बाद आपको होता है दोस्तों जो डोमेनिकल सर्टिफिकेट होता है, मतलब मूल निवास। ठीक है दोस्तों, मूल निवास जो होता है वो लेकर जाना, कि आप कहाँ के हो, कहाँ रहते हो, या फिर क्या हो आप, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब कहाँ रहते हो, मूल निवास कुल मिलाकर ये होता है। ठीक है, मूल निवास हो गया, और फिर इसके बाद आपका रहता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ST वाले को आर्मी में छोड़ दी जाती है, ST SC OBC, ये तीनों आप जो जो जनरल जो जो कैटेगरी से आते हो, वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट में दिखा हुआ रहता है कि आप ST से हो, OBC हो, ST से हो, SC हो, OBC हो, या जनरल से करके। ठीक है, ये कास्ट सर्टिफिकेट है। इसके बाद था रिलीजन सर्टिफिकेट, ये तो आपको उसमें ही हिंदू हो, सिख हो, या क्रिश्चियन हो, ये आपको दिया हुआ होता है। ठीक है, इसके बाद रहता है स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको वहाँ के प्रिंसिपल, कॉलेज में हो तो कॉलेज वाला प्रिंसिपल से या हेडमास्टर, इनसे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा, तो आपको वो लेकर आना। ठीक है, स्कूल से बनेगा ये। अब रहेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोस्तों मैं आपको बता दूं आपको कहाँ से बनवाना है, ये विलेज से बनेगा, आप जोन से, गांव से, और आप जोन सी पंचायत से वो करते हो, बिलोंग करते हो, वहाँ के पंचायत से बनेगा आपका। ठीक है, तो आपको बता दूँ कि इसको कैसे बनवाना है, आपके विलेज के सरपंच पास जाइएगा, सरपंच या म्यूनसिपल के पास जाओगे तो बना देगा, 6 मंथ का होता है वो, आप उससे बनवा लेना। तो आप बोलना कि हमको आर्मी भर्ती में जाना है, हमको भैया कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के दो, तो ये गांव का होता है तो वहाँ सरपंच के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, अनमेरिड सर्टिफिकेट तो ये नहीं भी होगा, और होगा भी तो आप बनवा लेना, क्योंकि ये भी फोटोग्राफी सब विलेज सरपंच के द्वारा बनाई जाएगी। ठीक है ना, ये भी बनवा लेना, क्योंकि 2021 में समझ में आ रहा है कि कैरेक्टर अनमेरिड सर्टिफिकेट भी लगने वाला है करके। अब होगा रिलेशनशिप सर्टिफिकेट। दोस्तों यदि आपके फादर या ब्रदर आर्मी में है या फिर रिटायर हो गए हैं, तो उनको इसकी छूट दी जाती है, आपका सर्टिफिकेट बनता है, आपके
पिता या फिर आपके भैया जो रिटायर हो जाते हैं तो उनका एक सर्टिफिकेट बनता है, तो आप वो सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, आपको उसमें छूट दी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया रिलेशन सर्टिफिकेट का। इसके बाद होता है एनसीसी सर्टिफिकेट। यदि आपका ए है, बी है या सी है, ये तीनों में आपका है, देखो ए वाले को ज़्यादा छूट नहीं दी जाती, बी वाले को दी जाती है थोड़ी, और सबसे ज़्यादा सी वाले को मिलती है। आपके पास ये है तो प्लीज़ लेकर जाए ना भूलेगा, क्योंकि आपको इसमें छूट मिलती है। एनसीसी वाले को बहुत छूट दी जाती है इंडियन आर्मी में। अब स्पोर्ट स्पोर्ट्स कोटा से जो है, जो कि स्टेट खेले हुए, डिस्ट्रिक्ट खेले हुए, उसका आपको सर्टिफिकेट मिलता है, तो आप उसको ले जाना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको इसमें भी छूट मिलती है बहुत ज़्यादा। एनसीसी और रिलेशन और स्पोर्ट्स, ये तीनों लोगों को छूट दी जाती है आर्मी में। अब रहता है एफिडेविट। दोस्तों एफिडेविट ये आपको आपके कचहरी से होता है, तो ये आपको करवाना बहुत ज़रूरी होता है, जिसको नोटरी कहा जाता है, ये आपका होना बहुत ही ज़रूरी रहता है। ठीक है, ये भी हो जाता है। आपके इधर पता नहीं कितने रुपये का होता है, 10 रुपये का फॉर्म निकलता है। आप इंडियन आर्मी के आप फॉर रजिस्ट्रेशन करवाते हो, आप बोल दिए तो, यदि आप ऑनलाइन वाले को बोल दोगे कि एफिडेविट फॉर्म निकाल दीजिए, तो वो निकाल देगा। ठीक है ना, फॉर्म भरते समय निकल जाता है एफिडेविट फॉर्म। इसके बाद आपका रहता है पहचान पत्र। दोस्तों आपके पास पहचान पत्र के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड, ये तीनों में से कोई एक का होना बहुत ज़रूरी है पहचान के लिए। ठीक है ना दोस्तों, ये हो गया। अब एक नंबर लास्ट में होता है कि ये देखिए, यहाँ पे साफ इसका निर्देश दिया गया है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर आपके पास एक मार्क्स होना बहुत ही ज़रूरी है, आप अपने अपने पास मार्क्स लेकर जाए। और नंबर दूसरा सैनिटाइज़र, ये दो दो चीज़ का आप ध्यान रखिए, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, वैक्सीन तो आ गई है, बट दोस्तों आप अपनी सावधानी के लिए लेकर जाइएगा, क्योंकि घटना कब क्या हो जाए आपको कोई पता नहीं होता। तो ये था दोस्तों, एक बार और आपको रिवाइज करवा देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। नंबर पहला रहेगा आपका एडमिट कार्ड, दूसरा रहेगा फोटोग्राफी, तीसरा रहेगा एजुकेशन सर्टिफिकेट, और चौथा रहेगा डोमिनिकल सर्टिफिकेट, और पांचवा रहेगा कास्ट सर्टिफिकेट, छठवा रहेगा रिलीजन सर्टिफिकेट, आठवा रहेगा स्कूल सर्टिफिकेट, नौवा रहेगा करेक्टर सर्टिफिकेट, दसवा रहेगा अनमेरिड सर्टिफिकेट, और ग्यारहवा रहेगा रिलीजन सर्टिफिकेट, बारहवा रहेगा एनसीसी सर्टिफिकेट, और तेरहवा रहेगा आपका एफिडेविट, और लास्ट रहेगा आपका पहचान पत्र। ठीक है दोस्तों, इतने डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। और यदि दोस्तों आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं रहते हैं, तो प्लीज़ आप भरवा लीजिएगा। तो देखो कुछ डॉक्यूमेंट जैसे आपके पास है ना, बहुत ही ज़रूरी है, देखो आपके 10th 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, और ये पहचान पत्र बहुत ही ज़रूरी है आपके पास रहना। इंडियन आर्मी का यदि आप सिलेक्शन हो भी जाता है, तो आपको टाइम दिया जाता है कि ठीक है आप बनवा लीजिए करके, बट आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है डॉक्यूमेंट्स। और एक और बहुत अच्छी सूचना आपको बता दूँ कि दोस्तों, ये जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया हूँ, 13 डॉक्यूमेंट 14 डॉक्यूमेंट जितने बताया हूँ, तो दोस्तों इन सभी में आपका जो नाम है एक जैसा होना चाहिए। जैसा कि दोस्तों मेरा नाम है NIRAJ नीरज, है ना, तो एक बार मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मेरा नाम पहले मैंने इंडियन आर्मी रजिस्ट्रेशन करवाया था NIRAJ से, तो दोस्तों मेरी जब नरसिंहपुर में भर्ती आई थी, तो मेरा इस नाम से रजिस्ट्रेशन था। जब नरसिंहपुर भर्ती किया, तो मेरा फॉर्म रद्द हो गया, मेरा फॉर्म नहीं भरा रहा था। मेरा फॉर्म किस में भरा रहा था? NIRAJ में। मैंने फिर जबलपुर ARO को मैसेज किया, ईमेल भेजा, तब मेरा नाम से ये रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो आपका यदि कोई भी मेल में या फिर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें यदि नाम मिसमैच है, तो आप सभी में अपना नाम चेंज करवा लीजिए, क्योंकि आपको दिक्कत आने वाली है। आपकी जो भी भर्ती आएगी, उसमें यदि आपका नाम मिसमैच है, तो आप भर्ती से रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाओगे, आपको भर्ती नहीं देने दिया जाएगा। ठीक है, ये जानकारी आप अच्छे से माइंड में बिठा लेना कि आपका जो भी नाम है पूरा एक जैसा ही होने चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, ये पूरी जानकारी मैंने आपको दे दिया हूँ। आपको जो भी प्रॉब्लम हो, तो नीचे मैं अपने ग्रुप की लिंक दे दूंगा, आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और दोस्तों टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं अभी पेपर डालने वाला हूँ इंडियन आर्मी के, और वीडियो बनाने वाला हूँ। हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी प्रॉब्लम आती है, तो आप उनको इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, या फिर कमेंट पर आप प्रॉब्लम पूछ सकते हो, और मेरा नीचे ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।